हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल टिप्स के पुकार में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों, अगर आप लोग का इंस्टाग्राम अकाउंट मतलब पुराना वाला अकाउंट है, अगर दोस्तों आप लोग को पासवर्ड नहीं पता है, यूज़र नेम नहीं पता है, तो कैसे आप लोग अपने अकाउंट को दोबारा से वापस ला सकते हैं। चाहे ना दोस्तों वो यहाँ पर आपका 10 साल पुराना अकाउंट हो, मात्र दोस्तों आप लोग को बता दें, आप लोग मुश्किल से दोस्तों यहाँ पर 2 मिनट लगेगा, आप लोग का अकाउंट दोबारा से वापस आ जाएगा। यहाँ पे तरीका आपको जो बताऊंगा ना, बिल्कुल दोस्तों रियल बताऊंगा और बिल्कुल आपको सटीक बताऊंगा। वीडियो को छोड़ के कहीं पर मत जाइएगा। अगर दोस्तों एक भी पार्ट स्किप कर देंगे तो फिर आप लोग समझ लीजिएगा कि आपका जो भी यहाँ पर मेहनत किए रहेंगे सबका सब मतलब जो है ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा के ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जिससे दोस्तों आगे आने वाली अपडेट आप सबको मिलती रहेगी। तो अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कैसे कैसे क्या करना है। देखिए, यहाँ पर आने के बाद ना दोस्तों, आपको सबसे पहले करना क्या है, अगर आप लोगों को यूज़र नेम यहाँ पर नहीं पता है, पासवर्ड नहीं पता है, तो नीचे में आपको फॉरगेटन पासवर्ड भी आपको देखने को मिलेगा, तो आपको इसी पे क्लिक कर देना है। फॉरगेटन पासवर्ड पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको सिंपल तरीका है। दोस्तों देखिए, अगर आप लोग को यूज़र नेम नहीं पता है तो आप लोग यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग आसानी से अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, और यहाँ पर दोस्तों आप लोग ईमेल एड्रेस भी अपना डाल सकते हैं और यूज़र नेम भी। तो दोस्तों यहाँ पर यूज़र नेम आप लोग को नहीं पता है तो आपको सिंपल करना क्या है, अगर आप लोग अपने फ्रेंड को फॉलो किए रहेंगे ना, तो आपको करना क्या है दोस्तों, बस अपने फ्रेंड के फॉलोअर्स में जाकर वहाँ पर देख लीजिएगा, आपका जो आईडी रहेगा वहाँ पर नाम आपको दिखा देगा, ठीक है। इस तरीके से बहुत आसानी से मिल जाएगी। अगर दोस्तों नहीं मिलता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर ऑलरेडी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने आईडी को बस आपको लिख देना है। अभी दोस्तों आपको फ़ोन नंबर से भी मैं करके दिखाऊंगा, बट पहले मैं आपको यहाँ पर आईडी वाला जो है यहाँ पर हम आपको सॉरी यहाँ पर यूज़र नेम वाला हम दिखाते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर हम नंबर से भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि मेरा यूज़र नेम यही है, हम यहाँ पर जैसे फाइंड अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। तो देखिए, अगर दोस्तों आप लोग जो है मतलब यहाँ पर अपना आप लोग देख लीजिएगा कि मेरा यही अकाउंट है ना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका फ़ोटो दिखा देगा तो उससे पता चल जाएगा कि हाँ आपका अकाउंट है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देख गेट कोड और लिंक भी है, SMS का ऑप्शन आ रहा है और आपका फ़ोन नंबर रहेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपके फ़ोन नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, कंटिन्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे ना दोस्तों, तो आप लोगों के फ़ोन में एक OTP आएगी, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मैसेज आएगा, चाहे आप लोग के जीमेल पर आएगा, सॉरी यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपके जीमेल पर ही आएगा। वही दोस्तों यहाँ पर अभी मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों हम जो है अपना वाईफाई पकड़ा लेते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है हमारे फ़ोन में मतलब दोस्तों यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, तो मैं अपना वाईफाई यूज कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर आपको सब कुछ जो है यहाँ पर आसानी से पता चल जाएगा कैसे आपको क्या करना है, बस दोस्तों थोड़ा सा वेट करिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसे ही आप लोगों पे मतलब आप लोगों के नंबर पे कोड आएगी, बस दोस्तों आपको करना है क्या है, उसी कोड को जो है वहाँ पर आपको डाल देना है। डालने के बाद सीधे आपको वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा न्यू पासवर्ड का, तो दोस्तों आपको न्यू पासवर्ड वहाँ पर क्रिएट कर लेना है। और उसके बाद जो आप लोग जैसे वहाँ पर न्यू पासवर्ड डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको साइड में दिखा दे रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं अकाउंट जो है दोस्तों यहाँ पर दोबारा से लॉगिन हो जाएगा। इस तरीके से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आप लोगों को दोस्तों फ़ोन नंबर से करना है, तो यहाँ से हम बैक जाएंगे और जहाँ पे दोस्तों अपना यूज़र नेम डाले हैं, बिल्कुल दोस्तों आपको करना क्या है, वहीं पे अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा। आपका जो अकाउंट जिस मतलब आप लोग का जिस फ़ोन नंबर से आपका अकाउंट रहेगा, वही फ़ोन नंबर आपको यहाँ पर डालना है। और डालने के बाद जो भी प्रोसेस मैंने इसमें बताया है, वही प्रोसेस दोस्तों सिंपल आपको उसमें करना है। और उसके बाद दोस्तों मतलब वही दोस्तों मैं आपको बता दूँ, 100% वही आपको प्रोसेस मोबाइल नंबर से भी करना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका अकाउंट है दोस्तों, वो ऑलरेडी बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल पर नए को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।